What's up guys, कैसे हैं आप सभी। तो आज के वीडियो में प्रोफेशनल मोड ऑफ Vivo Y95। जी हाँ, ऑलरेडी मैंने डिफ़ॉल्ट मोड का सभी एक्सप्लेन किया है फीचर्स, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर किया हूँ उस वीडियो में। तो आज के वीडियो में प्रोफेशनल मोड, इसमें तो फुल फ्लेज्ड प्रोफेशनल मोड दिया है। वहीं एक वेरी सरप्राइजिंग थिंग है, इवन एट दिस प्राइस पॉइंट आपको प्रोफेशनल मोड मिलता है, वो भी देखिए। इसमें शटर स्पीड 1/12,000 सेकेंड टू 16 सेकेंड तक, मतलब कि क्या कैसे भी सिचुएशंस हो आप मस्त पिक्चर्स निकाल सकते हैं अपने Vivo Y95 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि ये अल्ट्रा HD कैसे यूज़ करें। तो अल्ट्रा HD जैसे कि नाम है, वेरी फेमस फीचर ऑफ Vivo फोन्स। तो अराउंड 40 मेगापिक्सल में आपको पिक्चर मिलेगा, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है कि वेरी वेरी स्टडी रखना है आपको अपने हाथ को, अपने हाथ को यानी कि अपने कैमरा को। तो अगर आप स्टडी रख कर कैप्चर करेंगे तभी जाकर आपको शार्प इमेजेस मिलेंगे, नहीं तो सारा ब्लर कर देगा। तो अल्ट्रा HD ऑन है, तो अभी मैं पिक्चर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितना शार्प आता है इमेज। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पर फोकस करता हूँ, लेट्स से कि इस लीफ पर फोकस करता हूँ। तो देन लेट मी क्लिक अ पिक्चर। देखिए बिल्कुल शेक नहीं करना है, तो 40 मेगापिक्सल का है तो प्रोसेस ज़रूर करेगा। बूम, देयर यू गो। इवन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है फोकस, तो इसके नीचे जो प्लेन ऑफ फील्ड है वहाँ पर भी फोकस हुआ है। एंड यहाँ पर आप देखिएगा कितना वेरी 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 हाई रेजोल्यूशन, वेरी शार्प इमेजेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ऐसे आप ज़रूर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, या इसी चीज़ को क्रॉप करके आप वॉलपेपर बना सकते हैं मोबाइल का। देखिए कितना ब्यूटीफुल है, तो इवन मिनियन भी वेरी शार्प है। तो ऐसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अल्ट्रा HD मोड को। तो एक बात ध्यान में रखना है कि वेरी स्टडी हैंड्स रहना चाहिए जब भी आप अल्ट्रा HD मोड को यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रो लेवल मीटर। तो हमेशा मैंने इस बार का जिक्र किया है कि आप ग्रिड लाइंस को एवरी सिंगल टाइम यूज़ करें, एंड वैसे ही इलेक्ट्रो लेवल मीटर को हमेशा इनेबल कीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि आपने कैसे पकड़ा है मोबाइल को। यानी कि अगर आप क्रॉस में पकड़ेंगे तो देखिए ग्रिड लाइंस हो या फिर इलेक्ट्रो लेवल मीटर क्रॉस में है ना, तो जैसे मैं सीधा करता हूँ येल्लो कलर हो जाता है इलेक्ट्रो लेवल मीटर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं येल्लो कलर। हाँ, तो ऐसे अगर येल्लो कलर है तो इट्स वेरी हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड। सो ऐसे अगर आप पिक्चर कैप्चर करेंगे तो कोई क्रॉस में फोटोस नहीं आएगा, एंड बिल्कुल शार्प रहेगा इमेजेस। तो ऐसे आप हमेशा इस चीज़ को यूज़ कीजिएगा। द नेक्स्ट वन, यहाँ पर जो देख रहे हैं सर्कल जैसा विथ एरोस, ये है रीसेट। तो जैसे भी आपने सेटिंग्स चेंज किया हुआ है यहाँ, तो डिफ़ॉल्ट में जाना है ऑटो में, तो इंस्टेंटली इसको टैप करें तो ऑटोमेटिकली वो सारा चीज़ रीसेट कर देगा। तो नेक्स्ट वन इज़ ऑटो फोकस एंड मैनुअल फोकस, जैसा कि नाम है। देखिए इतना क्लोजअप आप निकाल सकते हैं इस Vivo Y95 से। सो अभी तो EF पर पॉइंट है ना, तो इस चीज़ को मैं फ्लावर है ना यहाँ पर मैक्रो, तो फ्लावर पर टैप करता हूँ। तो देखिए आप इतने क्लोजअप से कैप्चर कर सकते हैं इमेज को, लेट्स से हाँ, तो इतना नज़दीक जा सकते हैं आप इमेजेस लेने के लिए, विच इज़ रियली ऑसम। देखिए कितना नज़दीक आता है फ्रॉम Vivo Y95। तो ऐसे आप फोकसिंग सिस्टम को चेंज करके मैनुअली जब शार्प इमेज आपको दिखता है तभी जाकर आप पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो लेट्स से धीरे से ऐसे चेंज करते जाए, एंड जब आपको शार्प लगता है जस्ट गो अहेड एंड क्लिक अ पिक्चर। तो ऐसे आपको मैनुअल एंड ऑटो फोकस यूज़ कर सकते हैं, एंड यहाँ पर EF पर अगर छोड़ेंगे तो ऑटो पर चला जाएगा, तो ऑटो फोकस अभी एनेबल्ड है। वैसा ही वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस बेसिकली अगर कोई भी सिचुएशन में अगर कलर्स ठीक से नहीं आ रहा है आपके मोबाइल में, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप वाइट बैलेंस को चेंज करके देखिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए कि उस सिचुएशन में ठीक से कलर्स देता है या नहीं। मैं इंडोर सिचुएशन में ये वाला ठीक से कलरिंग दे रहा है अभी, मतलब कि जैसा यहाँ पर रियल में कलर है वैसा ही यहाँ पर कलर है, तो विच इज़ वेरी नाइस। तो ऐसे आप अगर लेंगे तो एक्यूरेट कलर वाला पिक्चर्स आप कैप्चर कर सकते हैं अपने Vivo Y95 में। तो वैसे ही नेक्स्ट फीचर देखिए, ये तो वाइट बैलेंस हो गया, नेक्स्ट है शटर स्पीड। ये शटर स्पीड जब भी आप यूज़ करेंगे, यूज़ इट अलॉन्ग विद द ISO। अगर आप ISO ऑटो छोड़ेंगे तो ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए शटर स्पीड, लेट्स से कि यहाँ पर तो कुछ मूवमेंट नहीं है ना, अगर कुछ मूवमेंट हो रहा है, अपना किड्स का पिक्चर कैप्चर करना चाहते हैं किड्स को ब्लर किए बिना, तो कैसे करें। हमेशा मोर देन 1/1,000 सेकेंड आपको शटर रखना है शटर स्पीड, तो तब जाकर थोड़ा अगर ऐसे डार्क हो रहा है तो क्या करना है आपको, इंक्रीज़ द ISO वैल्यू।
तो ISO वैल्यू को आप इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसा अप टू 3200 है तो इतना मिनिमम हो गया, तो थोड़ा शटर स्पीड को आप ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा कि ISO जितना ज़्यादा नंबर रहता है उतना ग्रेनी इमेजेस आता है, मतलब कि नॉइस इतना रहता है, तो कॉम्पेंसेट करने के लिए शटर स्पीड लो करना पड़ेगा। लेकिन शटर स्पीड लो करेंगे तो क्या होगा, ब्लर इमेजेस आएगा क्योंकि इंडोर सिचुएशन है। अगर आउटडोर में डे लाइट में आप कैप्चर करेंगे तो बहुत ही शार्प आएगा ज़रूर, लेकिन ऐसे में क्या करना है, फिर से आपको स्टडी हैंड रखना है, तब जाकर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वेरी शार्प इमेजेस मिलेगा, नहीं तो देखिए कैसे ब्लर मोशन दिखता है ना ऐसा, तो ऐसा ब्लर मोशन नहीं आना चाहिए। तो ऐसे फास्ट शटर स्पीड रखता हूँ तो ISO भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, वैसे इंक्रीज़ करता हूँ तो अभी देखिए देर इज़ नो मोशन ब्लर, तो क्योंकि मैंने शटर स्पीड को ज़्यादा किया है। तो ऐसे आप यूटिलाइज़ करके डिफरेंट सिचुएशन में, अगर आप लाइट ट्रायल्स, नाइट फोटोग्राफी लेना चाहते हैं, स्टार्स का हो, स्काई का, तो आप ज़रूर इस चीज़ को लो शटर स्पीड बना सकते हैं, जैसे कि 1/5 2 सेकेंड, तभी जाकर आप ISO वैल्यू को हमेशा कम रखिए, 50 विच इज़ द लीस्ट नंबर, तो ऐसे 50 रख के आप कैप्चर कर सकते हैं नाइट सिचुएशन में। भाई अभी तो यहाँ पर बहुत लाइट है तो इसके वजह से ज़्यादा लाइट दिखाई देता है, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हमेशा ऑटो, ये तो रीसेट है ना, टैप करेंगे तो सारा रीसेट कर देगा। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ एक्सपोजर वैल्यू। एक्सपोजर वैल्यू देखिए, जैसे कि टैप टू फोकस हम यूज़ करके स्लाइडर चेंज करते हैं ना ऊपर नीचे, वहीं एक्सपोजर वैल्यू है, तो इस चीज़ को भी आप यूज़ कर सकते हैं कई सारे सिचुएशन में। मान लीजिए कि अगर मैं ऐसे वाला कैप्चर कर रहा हूँ पिक्चर, तो लेट्स से कि यहाँ पर बहुत डार्क है, तो क्या कर सकते हैं, एक्सपोजर वैल्यू को थोड़ा बढ़ाइए, ज़्यादा नहीं करना है, ओवर एक्सपोज नहीं करना है, तो थोड़ा बढ़ाकर देखिए कितना ब्राइट हुआ ना, कुछ भी सेटिंग्स नहीं चेंज किया, सिर्फ एक्सपोजर वैल्यू चेंज करने से ही इतना चेंज होता है। वैसे ही आप माइनस या फिर नेगेटिव करके रिड्यूस भी कर सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप कहाँ पर कैसे कैप्चर कर रहे इमेजेस, ऐसे आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ऐसे आप यूटिलाइज़ करके बहुत ही अच्छे पिक्चर्स को ज़रूर कैप्चर कीजिएगा। ओके, तो प्रोफेशनल मोड तो हो गया, अभी सारा फीचर्स मैंने बताया, होपफुली आपको इससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट, जैसा कि नाम है, कैसे भी अगर आप डॉक्यूमेंट टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वेरी डिटेल्ड, तब जाकर आप डॉक्यूमेंट मोड को यूज़ कीजिए, ऐसे पिक्चर्स के लिए डॉक हेल्प नहीं होगा। तो नेक्स्ट है पैनोरामा, आई थिंक आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन पैनोरामा। नेक्स्ट है फेस ब्यूटी, जैसा कि नाम है भैया, देखिए ये वाला पोर्ट्रेट बोके है, तो पोर्ट्रेट बोके यूज़ करके, जैसे कि मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बताया हूँ कि कैसे पोर्ट्रेट बोके को यूज़ करें, तो ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। एंड यहाँ पर जो है ब्यूटी है, लेवल्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, अलॉन्ग विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, वो यूज़ करके वेरी नाइस इमेजेस आपको देगा। तो ये तो फेस ब्यूटी हुआ। नेक्स्ट है टेक फोटो, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ उस वीडियो में। नेक्स्ट है वीडियोस, तो वीडियोस आप 1080, 720 एंड 480 में कैप्चर कर सकते हैं, बस इतना ही, ज़्यादा रेजोल्यूशन चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं। एंड यहाँ पर एक आइकॉन है ना छोटा सा, तो इस आइकॉन का आप चेंज करेंगे, तो यहाँ पर टैप करेंगे तो स्लो मोशन, नॉर्मल, टाइम लैप्स, तो यहाँ पर स्लो मोशन है, तो आई थिंक 120 और 240 फ्रेम्स पर सेकेंड में स्लो मोशन होता है, तो इतना भी वेरी स्लो नहीं। चलिए रिकॉर्ड करते हैं अभी, तो देखते हैं कि कितना स्लो है, देखिए आप। सो आई थिंक इट इज़ रिकॉर्डिंग एट 120 और rather 240 फ्रेम्स पर सेकेंड, ये दोनों में से एक हो सकता है, यहाँ पर तो इन्फॉर्मेशन नहीं। एंड रेजोल्यूशन इतना बढ़िया नहीं, 640 बाई 480 पिक्सल्स पर रिकॉर्ड होता है, तो इतना बढ़िया रेजोल्यूशन नहीं, लेकिन फिर भी एट दिस प्राइस पॉइंट आपको स्लो मोशन कैप्चर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर है टाइम लैप्स, तो टाइम लैप्स भी आप कैप्चर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है नॉर्मल, तो नॉर्मली वीडियोस निकालने के लिए। नेक्स्ट है ईयर स्टिकर्स, तो जैसा कि नाम है, अगर आप ईयर से फनी फनी ऐसे कुछ निकालना चाहते हैं गॉगल्स लगा के, तो ऐसे वाला फीचर्स आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो इतने सारे ढेर सारे फीचर्स है वीवो Y95 ने, मैंने तो सारे एक्सप्लेन किया आपको, तो ऐसे आप अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करके मस्त सब पिक्चर्स कैप्चर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्प हुआ होगा तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करके बने रहिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।